हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कम ऑन क्लासेस। इसमें सभी आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन पिरामिड। उसके बारे में जानेंगे, जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि के जो पिरामिड्स होते हैं, एज स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, मेरी चैनल कम ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। तो हम आज का स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिसे हम स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कहा जाता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को। तो हम देखते हैं पॉपुलेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं पॉपुलेशन जिसे हिंदी में जनसंख्या कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम। एक एरिया में जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, स्पीसीज प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में, तो वो आपका पॉपुलेशन है उस समय। तो जैसे हम जैसे बोल सकते हैं कि जो सेट ऑफ ह्यूमन जो होते हैं, ग्रुप ऑफ ह्यूमन होते हैं, कहीं पे किसी एरिया में प्रेजेंट हैं या रह रहे हैं, जैसे विलेज में, टाउन में, गांव में, कंट्री में, या कोई पूरे प्लेनेट में जो रह रहे हैं वो ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, वो पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स का हो गया। या कोई अलग स्पीसीज है तो वो रह रहे हैं तो उसका भी अलग पॉपुलेशन हो गया। तो वो पॉपुलेशन हो गया कि एक एरिया में रह रहे हैं, एक एरिया में जो टोटल इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उस स्पीसीज के एक पर्टिकुलर एरिया में उस समय, तो ये आपका पॉपुलेशन हो गया। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता जो ग्रुप ऑफ इसकी बहुत सारी इसकी विशेषता है, जैसे डेंसिटी, मॉर्टैलिटी, नेटैलिटी, डिस्पर्सल, एज डिस्ट्रीब्यूशन, बायोटिक पोटेंशियल और ग्रोथ फॉर्म्स। तो सबसे पहले डेंसिटी हम देखेंगे, फिर मॉर्टैलिटी देखेंगे, नेटैलिटी देखेंगे, डिस्पर्सल देखेंगे, फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। बायोटिक पोटेंशियल के बारे में बता देती हूँ कि जो बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसको हिंदी में जैविक विभव कहते हैं। इसका क्या काम है कि जैसे जो आपकी जो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, जो जीव की जो प्रजनन या संख्या वृद्धि की जो क्षमता होती है, तो उसका जो एक अंतर्निहित गुण होता है, तब जब जो पर्यावरण जब इसको उसमें कोई रुकावट नहीं डालता है, जब तक ये पर्यावरण उसमें कोई रुकावट नहीं डाल रहा है तब तक ये बायोटिक पोटेंशियल है ये आपका। तो ये हो गया आपका बायोटिक पोटेंशियल। ये क्या कह रहा है कि जो आपका अंतर्निहित गुण है या किसी जीव का जो अंतर्निहित गुण है, उसमें कोई पर्यावरण उसमें रुकावट नहीं डाल रहा, एनवायरनमेंट उसमें फेवरेबल है, तो ये आपका जैविक पोटेंशियल हो गया, यानी कि बायोटिक पोटेंशियल हो गया। ग्रोथ फॉर्म में है जे सेप्ट, जो एच सेप्ट जो होती है, सिग्मोइड ग्रोथ होता है, और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है वो आपका ग्रोथ फॉर्म हो गया। और एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ग्रोथ फॉर्म के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम आज का स्टार्ट करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, मतलब पॉपुलेशन घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि जैसे हमने पॉपुलेशन पढ़ा था कि एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में उस टाइम जो जितने लोग रह रहे थे, उस इंडिविजुअल्स रह रहे थे स्पीसीज के, वो आपके पॉपुलेशन थे। मगर यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ये जो एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं, ये आपका डेंसिटी हो गया। तो ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1000 लोग रह रहे हैं, तो ये आपका पॉपुलेशन हो गया। मगर यहाँ पे डेंसिटी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 500 रह रहे हैं, तो ये आपका डेंसिटी 500 हो जाएगा। तो ये आपका डेंसिटी हो गया यहाँ पे, ये पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन बाई एरिया ऑफ स्क्वायर किलोमीटर प्रेजेंट है, तो ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला नेटेलिटी है, बर्थ रेट इसे जन्म दर भी कहते हैं। तो जन्म दर का क्या मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल्स, कोई नया इंडिविजुअल्स बाय रिप्रोडक्शन के माध्यम से कोई नया इंडिविजुअल्स हमारे पॉपुलेशन में ऐड हो रहा है या एडिशन हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में बाय रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो हम इसे जन्म दर कहते हैं। अब हम देखते हैं मृत्यु दर यानी मॉर्टैलिटी। मॉर्टैलिटी जो होता है वो लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, यानी कि यहाँ पे हानि हो रही है इंडिविजुअल्स की, लॉस हो रहा है इंडिविजुअल्स का पर्यावरणीय स्थिति के कारण, तो उसे हम मृत्यु दर कहते हैं। तो ये आपका लॉस हो रहा है, तो ये आपका मृत्यु दर हो गया। अब इमिग्रेशन देखते हैं। इमिग्रेशन क्या है, ये परमानेंट एंट्री हो रहा है, जैसे कोई इंडिविजुअल्स, नया इंडिविजुअल्स आपकी पॉपुलेशन में वो एंट्री कर रहा है, किसी कहीं बाहर से कोई पॉपुलेशन आया है, कोई इंडिविजुअल्स आया है यहाँ एंट्री कर रहा है, तो आपका इमिग्रेशन हो गया। अब जो ये इमिग्रेशन है वो इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन को। अब चौथा जो है एमिग्रेशन, एमिग्रेशन क्या है, ये परमानेंट मूवमेंट है इंडिविजुअल्स का,
कहाँ आउटसाइड हो रहा है, ये पॉपुलेशन से आउटसाइड जा रहा है किसी रीज़न की वजह से, कोई कारण है जिसके कारण वो, यानी कि वो जगह वो छोड़ के जा रहे हैं, कहीं दूसरे जगह प्रवास करने जा रहे हैं। तो कुछ कारण जैसे लैक ऑफ फूड हो सकता है या ओवर क्राउडिंग हो सकता है, लैक ऑफ फूड में जैसे कि सूखा पड़ सकता है या कोई अकाल हो जाता है या ड्राउट कंडीशन हो जाता है, तो ये आपका जो एमिग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ एमिग्रेशन और मोर्टालिटी जो है पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है, और जो इमिग्रेशन और नैटालिटी है वो आपका पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। ये इमिग्रेशन हो गया, ये एमिग्रेशन हो गया। तब हम देखते हैं कि एज का जो डिस्पर्शन क्या होता है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है स्पेस के हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से कैसे इंडिविजुअल्स अरेंज रहते हैं पॉपुलेशन में, तो उसको हम देखते हैं। जो तीन तरह के जो मेन इसके हैं, यूनिफॉर्म, क्लम्प्ड एंड रैंडम। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक समान डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान छितराव, एक समान डिस्पर्शन है, यानी एक समान अरेंजमेंट है। तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म। इसमें मेन चीज़ ये समझने का कि ये जो है जो यूनिफॉर्म है एक समान जो ये वाला है, तो इसमें जो होता है ये इंडिविजुअल्स के बीच में इंटरैक्शन होता है। इंटरेक्शन का कारण है कंपटीशन होता है उनके बीच, टेरिटोरियलिटी के लिए, इलाके के लिए या अपने प्रदेश के लिए जो वहाँ पे एक संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, कंपटीशन होता है, वो यहाँ पे होता है यूनिफॉर्म पैटर्न में। तो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है यदि स्पीसीज के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, तो ये इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो ये आपका यूनिफॉर्म पैटर्न हो गया। दूसरा है क्लम्प पैटर्न। क्लम्प पैटर्न में यहाँ पे क्या है कि जैसे बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ बहुत बड़े इलाका में वहाँ रिसोर्सेस नहीं है, एक छोटे से इलाका में रिसोर्सेस है या छोटे से एरिया में आपका रिसोर्सेस है, तो वहीं पे सब जाके ग्रुप हो जाएंगे, वहीं पे सब जाके इकट्ठे हो जाएंगे, झुंड बन जाएगा वहाँ पे, एक ग्रुप ऑफ सोशल ग्रुप बन जाएगा इंडिविजुअल्स का। तो ये आपका जो क्लम्प्ड हो गया, जैसे यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है तो यहाँ पे कम पॉपुलेशन, यहाँ पे है ही नहीं तो ये आपका रिसोर्सेस नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है तो बहुत ज़्यादा यानी कि पॉपुलेशन हो रहा है, ग्रुप्ड हो रहा है, ये क्लम्प्ड बना रहे हैं, तो ये आपका क्लम्प्ड पॉपुलेशन हो गया। रैंडम डिस्पर्शन क्या हो गया, रैंडम डिस्पर्शन में ये हो जाता है निरुद्देश्य, कहीं भी, रैंडम का मतलब होता है निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के कहीं भी आपका यानी इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे, यानी वो लाइफ कर रहे हैं या वहाँ पे यानी उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो आपका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये आपका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं भी कुछ भी यानी कि वहाँ पे निरुद्देश्य वो उत्पन्न हो रहे हैं। इसमें जो होता है सबसे मेन जो पॉइंट है ये आपका लैक ऑफ, जो आपका लैक ऑफ इंटरेक्शन होता है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता है, लैक ऑफ इंट्रैक्शन है इंडिविजुअल्स के बीच में, कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो लैक ऑफ इंट्रैक्शन है, तो ये आपका रैंडम डिस्पर्शन है। अब हम पढ़ते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको हम सेक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये जो है स्ट्रक्चर जो है वो सेक्स स्ट्रक्चर है। इसका मतलब यहाँ पे जो एज के हिसाब से वहाँ पे बटा हुआ है, जो फंक्शन है उस इंडिविजुअल्स का, फंक्शन जो है फंक्शनली एक्सपेक्टेड इंडिविजुअल्स है, यानी कि उसका फंक्शन जो रिप्रोडक्शन है उसके आधार पे वो बटा हुआ है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है ये आपका फीमेल से डिनोटेड हो रहा है एक तरफ मेल से डिनोटेड होता है। तो इस चीज़ को पहले हम समझते हैं कि जो कैसे है, कितने कितने तरह के होते हैं। तो ये जो मेन तरह का जो इसको तीन तरह से बांटा जाता है, जो मेन है आपका प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। जो प्री रिप्रोडक्टिव होता है लेस देन 15 ईयर, यानी 0 to 14 ईयर आपका प्री रिप्रोडक्टिव हो गया। जो ऑफस्प्रिंग है वो आपका जो यानी कि इन्फेंट है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो आपका ये चाइल्ड हो गया या चिल्ड्रेंस जो हो गया, वो आपके प्री रिप्रोडक्टिव में आते हैं। अब जो दूसरा है रिप्रोडक्टिव, जो 15 to 44 ईयर के, यानी 45 से नीचे, जो 15 to 44 ईयर के जो एडल्ट वाले हैं, जो मैच्योर कंडीशन में हो गए हैं, वो आपका रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हो गया। तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो ओल्ड एजेस में चले गए हैं, जिनकी रिप्रोडक्टिविटी जो अब वो यानी कि ख़त्म हो गई है या इमैच्योर हो गई है, तो आपका जो हो गया रिप्रोडक्टिव ओल्ड एजेस वाले हो गए, वो ये जो मोर देन 45 के ऊपर जो एजेस के हैं, तो उसे हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहते हैं ओल्ड एजेस वाले। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जो ये जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिप्रेजेंटेड जो किया जाता है पिरामिड स्ट्रक्चर से किया जाता है, इसलिए एज पिरामिड भी कहते हैं। तो जो एक्सपेंडिंग जो पॉपुलेशन होता है वो पिरामिड शेफ्ट का होता है, ये जो यंग पॉपुलेशन वाले। स्टेबल जो पॉपुलेशन होते हैं वो बेल शेफ्ट के होते हैं, और जो डिक्लाइन पॉपुलेशन वो होता है अर्न शेफ्ट का होता है। अर्न शेफ्ट मतलब कलस के आकार का होता है, तो ये आपका अर्न शेफ्ट होता है। अभी
को हम समझते हैं कि यहाँ जो डेवलप्ड कंट्री है उसका स्टीपर पिरामिड क्या होता है। तो स्टीपर पिरामिड जो होता है यानी कि ज़्यादा ढलान लिए होता है, तो ये आपका जो होता है, ये आपका जो है स्टीपर, जो यूनाइटेड स्टेट का है, जो आपका स्टेबल पॉपुलेशन है। स्टेबल पॉपुलेशन का होने के कारण वहाँ के रिसोर्सेज अच्छे हैं, वो यानी कि गुड इकोनॉमी है उनका, तो वो जो है जो यानी आपका जो प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव है वो कॉन्स्टेंट है। तो प्री रिप्रोडक्टिव जब कॉन्स्टेंट है तो ये आपका जब कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो आपका पॉपुलेशन जो है स्टेबिलिटी उसमें आ जाएगी। तो ये डेवलप्ड कंट्री के डेवलप्ड कंट्री का स्टीपर पिरामिड होने का कारण यही है। और डेवलपिंग कंट्री जो है, जो विकासशील है, जो अभी डेवलप्ड कर रही है, उसको सारे रिसोर्सेस नहीं मिले हैं अभी तक, उसके लिए वो संघर्ष कर रही है, उस चीज़ को जान रही है, समझ रही है, तो वहाँ पर जो एक लो इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है, तो इसके कारण जो आपका लेस स्टीपर हो रहा है वहाँ पर, जो आपका जो इंडिविजुअल्स है वो यानी कि कॉन्स्टेंट नहीं है, वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है वहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो बर्थ रेट है जो फॉल कर रहा है, तो फॉल जब करता है बर्थ रेट, तो आपका डेवलपमेंट है जो वो अच्छा से नहीं हो पाता है। तो स्टीपर जो है वो उसका जो यानी कि जो वो लेस स्टीपर हो जाता है, उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है जो आपका पॉपुलेशन है। तब हम देखते हैं कि जो मेन चीज़ समझने के लिए ये चीज़ है कि देखिए, इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो पूरा एज स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि फ्यूअर नंबर ऑफ़ प्री रिप्रोडक्टिव, जब आपका प्री रिप्रोडक्टिव कम है, ये जो रिप्रोडक्टिव की अपेक्षा फ्यूअर नंबर है, जैसे मान लीजिए ये 10 है और यानी कि 10 ही है और ये आपका 15 है, तो ये जो है आपका डिक्लाइन में हो जाएगा, जो पॉपुलेशन आपका डिक्लाइन करते जाएगा। तो डिक्लाइन हो जाने से नेगेटिव ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया, डिक्लाइन पॉपुलेशन जो अनसेफ्ट है। जो दूसरा आपका कंडीशन है कि इक्वल नंबर ऑफ़ प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो इक्वल नंबर ऑफ़ प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्यों हो रहा है, क्योंकि इक्वल नंबर है, जब आपका बर्थ रेट कांस्टेंट है तो रिप्रोडक्टिव जो है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब ये जो है आपका प्री रिप्रोडक्टिव जो मैच्योर कर जाएंगे, जो डेवलप्ड कंट्री में था, जो मैच्योर करेंगे, वो सारे मैच्योर करके रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाएंगे, तो वो सारे जो है आगे जाके स्टेबिलिटी दिखाएगा, तो वो आपका स्टेबल पॉपुलेशन हो जाएगा। तो ये आपका जो बेल सेफ्ट हो गया वो स्टेबल पॉपुलेशन हो गया, डेवलप्ड कंट्री के हो गए ये पॉपुलेशन। अब दूसरा है जो हायर नंबर ऑफ़ प्री रिप्रोडक्टिव जो हो गया, जो यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है बहुत ज़्यादा ही उसका पॉपुलेशन है, इसका प्री रिप्रोडक्टिव का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण, जब कॉमन बात है कि यहाँ पे जब ज़्यादा पॉपुलेशन यंग का है तो उसका जो है रैपिड ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन का रैपिड ग्रोथ होगा वहाँ पे, तो रैपिड ग्रोथ होगा, तो यहाँ पे डेथ रेट कम है क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। तो ये आपका जो है यहाँ पे यानी कि यंग पॉपुलेशन का जो रैपिड ग्रोथ, जो स्लो जो रैपिड ग्रोथ होगा वो आपका यंग पॉपुलेशन का होगा। तो यहाँ स्लो दिखा रहा है, यहाँ पे रैपिड ग्रोथ जो हो रहा है आपका यंग पॉपुलेशन का हो रहा है। तो यहाँ मेन चीज़ यही हुआ कि जिसका जो आपका यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज आपका सही है तो यानी कि पॉपुलेशन आपका सही होगा, या प्री रिप्रोडक्टिव नेगेटिव है तो पॉपुलेशन नेगेटिव होगा, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेबल है तो आप या कांस्टेंट है तो जो आपका जो यानी कि जो पॉपुलेशन होगा वह स्टेबल पॉपुलेशन होगा, यदि प्री रिप्रोडक्टिव हाई है तो आपका जो रैपिड ग्रोथ होगा तो ज़्यादा ही यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगा तो इंक्रीज जो पॉपुलेशन होगा। तो ये सब था जो आपके एज स्ट्रक्चर थे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, पॉपुलेशन आज हमने पढ़ा और पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर पढ़ा और पॉपुलेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने समझा। तो आज का ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे नए वीडियो मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, गॉड ब्लेस यू।